एसीबी की खुदाई बिल्कुल वायरल टॉपिक, अभी का सबसे वायरल टॉपिक। अगर आप इंटरनेट पे कुछ देखना चाहते हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक ही चीज चल रही है, वो है जेसीबी की खुदाई। क्यों लोग इस टॉपिक को इतना वायरल कर रहे हैं, क्यों ये टॉपिक इतना ट्रेंडिंग में आ रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है उस वीडियो में, सिर्फ एक जेसीबी यानी कि एक ऐसा डिवाइस या तो फिर मशीन जो कि जमीन की खुदाई करती है, उसको देखने के लिए लोग इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं। इस टॉपिक के पीछे क्यों ये वायरल हुआ, इसका राज आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं दीप पटेल 01 यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार जेसीबी खुदाई कर रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्टली खुदाई कर रहा है, इसके लिए इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी काम को करते हुए देखते हो, ठीक है, कि कोई इंसान ये काम कर रहा है, अगर वो उस काम को एकदम परफेक्टली कर रहा हो तो आपको वो देखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी एक सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कोई भी परफेक्ट काम अच्छा होता है। तो इसका मतलब कि हम बचपन से इस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है कि जब भी कोई भी काम एकदम परफेक्टली होता है, एकदम अच्छे से होता है, तो हमें वो देखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमें अच्छा फील कराते कि हाँ ये काम बहुत परफेक्टली हो रहा है, तो ये काम देखने के बाद हमें अच्छा फील होता है। ऐसे ही YouTube पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग सोप को कट कर रहे हैं, उसकी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वैसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक सेटिस्फाइंग आवाज़ होती है। या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे कोई कुछ क्राफ्ट बना रहा है, कुछ एकदम परफेक्टली बना रहा है, कोई भी कुछ परफेक्टली कट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि DIY कैसे DIY में क्रिएटिव क्राफ्ट बनते हैं, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उन वीडियोस पे। क्यों आते हैं? क्योंकि वो ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस होते हैं। हमारे दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हुए हैं कि जो भी काम उन्हें परफेक्ट होता हुआ दिखता है, वो उस काम को लेकर सेटिस्फेक्शन फील करता है। मतलब कि आप कोई भी काम अगर एकदम परफेक्टली हो रहा है, उसे देखते हो, तो आपको दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस फील कराते हैं, वो रिलीज होते हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस देखने का। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को आप किस तरह से अपने वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप DIY के बेस्ड यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अगर आप ऐसे कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑडली वीडियो बना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस है और ऑडियंस को ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव इंसान है, इस तरह का टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं, तो यार जरूर से बनाइए, क्योंकि इस तरह के कुछ भी ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होते हैं और बहुत बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल और एक अच्छा टॉपिक हो सकता है यूट्यूब पे, अगर आप आना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो। तो इस तरह से आप समझो, देखो, तो जेसीबी की खुदाई एक ऑडली सेटिस्फाइंग टॉपिक है, क्योंकि वो एक परफेक्टली जमीन की खुदाई कर रहा है। तो ये आप समझ लो कि आपका दिमाग जो भी काम परफेक्ट होता है, उस काम से सेटिस्फाई होता है, उसे अच्छा होता है, उसमें जो अच्छा फील कराने वाले हॉर्मोन होते वो रिलीज होते हैं। तो आप अब इस फैक्ट को जान गए हैं, अब अपने वीडियोस में आप इस फैक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप उस तरह के कुछ वीडियोस बना सकते हैं जो कि ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस हो और उन्हें वायरल भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को सिर्फ देखो ही मत, सिर्फ जेसीबी की खुदाई आपको पता चला कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये क्यों ट्रेंडिंग है, ये चीज जान के अब आप इस तरह के टॉपिक पर भी काम कर सकते हैं, इस तरह के टॉपिक का भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप अपनी फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हैं, और इस ऐसे टॉपिक्स काफी ज्यादा वायरल होते। तो ये इन्फॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड करनी जरूरी थी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।